गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर के वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हमने प्रॉमिस किया था कि हम संडे को 101 लाइनर्स की वीडियो लाएंगे, तो हमने वो वीडियो लाया था। अगर आप में से किसी ने उसे मिस किया है तो ज़रूर देख लें। आपके लिए वो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया गया है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो कि बाई वीकली होती है, हफ्ते में 2 दिन मिलती है, जो डिटेल के साथ होती है। और संडे को जो वीडियो हमारी होती है वो 1 लाइनर होती है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में खोजे गए बृहस्पति जैसे ग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों GJ3512b। जो ए है वो इसका सही आंसर है, GJ3512b। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए नए खनिज का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों नई खनिज खोजी गई है जिसका नाम है गोल्ड स्मिथी टाइट, यानी कि डी जो है सही आंसर है, गोल्ड स्मिथी डाइट। और दोस्तों साउथ अफ्रीका की अगर बात आ गई है तो हम लोग एक बार इसके कैपिटल और करेंसी पे भी ध्यान दे देते हैं। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन और करेंसी है दोस्तों रैंड। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी थर्ड क्वेश्चन है वो है, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने भारत की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना ETS शुरू की है वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए। तो दोस्तों ये जो ETS सर्विस है ये गुजरात सरकार ने शुरू की है, और इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। तो एक बार गुजरात सरकार जब आ गया तो गुजरात सरकार में भी है कौन, ये जान लेते हैं। गुजरात सरकार के में अभी CM जो है वो है विजय रूपानी, और गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी फोर्थ क्वेश्चन है वो है, MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है थानू पद्मनाभन। थानू पद्मनाभन जो है इन्हें मिला है MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019। ये मिला किस लिए दोस्तों? तो थानू पद्मनाभन जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्हें कॉस्मोलॉजी में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, किसकी जयंती पर सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल ने 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बर्थडे पर सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल ने 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। दोस्तों अगर पुरानी वीडियो देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो रिविज़न करा दूँ। गुरु नानक देव के ही अलग अलग उनके सारे प्रतियों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने का काम करने वाली कौन, यूनेस्को। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी कि गुरु नानक देव के जितने भी स्मृतियाँ वगैरह हैं, उनकी प्रतियाँ हैं, उनके बुक्स वगैरह हैं जो भी, उन्हें अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगी कौन, करेगी यूनेस्को करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को करेगी। आगे बढ़ते हैं, आज की जो सिक्स क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश द्वारा घोषित भोपाल मेट्रो रेल का नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजा भोज। भोपाल मेट्रो रेल का नाम होगा राजा भोज। और जो अभी MP में जो सरकार है उसके बारे में जान लेते हैं। CM है कमलनाथ जो कि कांग्रेस की सरकार है, और गवर्नर है दोस्तों लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं, आज की जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मनाली। मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो एट क्वेश्चन है वो है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहले महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूप गुरुनाथ। रूप गुरुनाथ जो है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों वो है, इप्सॉस द्वारा जारी किए गए ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, कनाडा। इप्सॉस द्वारा जारी किया गया ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के हैप्पीनेस इंडेक्स में जो कंट्री टॉप आई है वो है कनाडा। और दोस्तों अगर कनाडा आई है तो कनाडा के एक बार कैपिटल और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की कैपिटल होती है ओटावा, और करेंसी है दोस्तों डॉलर। और इसे फॉरकास्ट किसने किया था? तो फॉरकास्ट किया है इप्सॉस ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, फॉरकास्ट करने वाले अलग अलग होते हैं तो उनका रैंकिंग भी अलग होता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसलिए याद रखिए, इप्सॉस की रैंकिंग में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कैनेडा जो है फर्स्ट आया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 10th क्वेश्चन है दोस्तों वो है,
भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एचएस अरोड़ा। एचएस अरोड़ा जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। आज की जो 11th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, कौन सा आपातकाल नंबर आग एम्बुलेंस और पुलिस आपातकालीन सेवाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा एक नंबर शुरू किया गया है जो कि आग हो या एम्बुलेंस हो और आपातकालीन सेवाओं के लिए पुलिस के द्वारा अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे आप डायल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 112, डी जो है 112 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 12th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, के बिरला के सरस्वती सम्मान के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों के शिवा रेड्डी। के शिवा रेड्डी को के बिरला के सरस्वती सम्मान के रूप में सरस्वती सम्मान मिला है। और के शिवा रेड्डी दोस्तों इनको जो सम्मान मिला है सरस्वती सम्मान, ये जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 13th क्वेश्चन है वो है, आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ संबंध स्थापित किए हैं? तो उसका सही आंसर है दोस्तों फेसबुक। आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए फेसबुक के साथ संबंध स्थापित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 14th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, किस सरकार ने तलाक पीड़ित के लिए 6,000 देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ने तलाक पीड़ित को 6,000 देने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु सरकार ने की है। तो एक बार तमिलनाडु सरकार के बारे में जान लेते हैं, यहाँ के सीएम कौन है? ईके पलानी स्वामी, और गवर्नर है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 15th क्वेश्चन है वो है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापान। जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 16th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार पर्यटक वीजा प्रदान करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है फर्स्ट टाइम पर्यटक वीजा प्रदान करेगा। और पर्यटक वीजा होता है दोस्तों यही कि इस वीजा से आप सिर्फ घूमने का काम कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड काम या कोई और काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 17th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिपिन रावत। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 18th क्वेश्चन है वो है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीलेश शाह। नीलेश शाह को AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 19th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 44। इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स यानी कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में वो है 44, और इंडिया जो है 4 प्लेसेस आगे बढ़ा है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग 48 थी, इस बार 44 हो गई है। और दोस्तों इस रैंकिंग में जो फर्स्ट आए हैं टॉप पे है वो है USA। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 20th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 के लिए किसे वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 21 क्वेश्चन है दोस्तों, 21st क्वेश्चन है वो है, दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? तो दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल जो है वो दुबई में बना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 22वीं क्वेश्चन है दोस्तों वो है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के विजेता हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो है दोस्तों ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इनका फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 23rd क्वेश्चन है वो है, तेजस एक्सप्रेस नाम की पहली कॉरपोरेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई से पुणे के बीच में। मुंबई से पुणे के बीच में तेजस एक्सप्रेस नाम की पहली कॉरपोरेट ट्रेन चलने वाली है। आगे बढ़ते हैं,
आज की जो हमारी 24th क्वेश्चन है वो है, दुनिया भर में टीबी को खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, दुनिया भर में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, लेकिन हमारे इंडिया का जो लक्ष्य है वो भी जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में जो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है वो 2025 है, यानी कि पूरे वर्ल्ड से हम 5 साल पहले कोशिश करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 25th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारी 26th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, कतर। कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और कतर की बात आ गई है तो हम लोग कैपिटल और करेंसी भी जान लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 27th क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर्स का निर्माता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माता है, जो हमने यूएसए से खरीदी भी है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 28th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भारत में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस महीने को मनाया गया, किस महीने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सितंबर 2019। सितंबर 2019 को घोषणा किया गया है पोषण माह के रूप में मनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज की जो 29th क्वेश्चन है दोस्तों वो है, किसने 1 सितंबर 2019 को सेना के प्रमुख का पदभार कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवने नरवने। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 1 सितंबर 2019 को सेना के प्रमुख का पद का कार्यभार संभाला है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30th क्वेश्चन वो है, 2018-19 के दौरान दुनिया में सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, और जो सबसे बड़ा है वो है चाइना। फर्स्ट में है चाइना, सेकंड में है इंडिया। सो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कोई कमी है तो कमेंट करें, डिसलाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।